दोस्तों, अगर आप भी एक रोमांचक जिंदगी जीने के शौकीन हैं, तो आज हम जिन खतरनाक वॉटर स्लाइड्स के बारे में बात करेंगे, आपको एक बार अपनी जिंदगी में वहां पर जरूर जाना चाहिए। इन वॉटर स्लाइड्स को दुनिया की सबसे खतरनाक और रोमांचक वॉटर स्लाइड्स माना जाता है। इसलिए ही यहाँ पर सिर्फ मजबूत दिल वालों को ही जाने की परमिशन दी जाती है। दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। द लीप ऑफ फेथ। यह मशहूर वॉटर स्लाइड बहामास के अटलांटिस पैराडाइज वॉटर पार्क में मौजूद है। इस वॉटर पार्क में लीप ऑफ फेथ नाम की इस वॉटर स्लाइड को विश्व प्रसिद्ध पिरामिड्स के डिजाइन पर बनाया गया है। इस स्लाइड की कुल लंबाई 60 फीट है, जिसे पार करने में सिर्फ 6 सेकंड का ही समय लगता है। यह स्लाइड नीचे आने पर एक पुल के अंदर से गुजरती है। यह स्लाइड एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब के माध्यम से इस पुल से पास होती है। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब को पुल के अंदर से इसलिए लगाया गया है ताकि लोग रोमांच के साथ साथ डर का भी एहसास कर सकें, क्योंकि इस पुल को खतरनाक शार्क मछलियों से भरा गया है और स्लाइड से जाते हुए पुल में से ये शार्क बिल्कुल नजदीक नजर आती हैं। एक्वा लूप। यह स्लाइड 360 डिग्री के एक लूप से बनाई गई है, जिसकी वजह से यह दुनिया भर में मशहूर है। इस स्लाइड को इस वॉटर पार्क में सन 2012 में बनाया गया था, जो इस तरह की दुनिया की सबसे पहली स्लाइड थी। यह वॉटर स्लाइड अपने इन घुमावदार लूप्स के साथ साथ अपनी तेज रफ्तार के कारण भी मशहूर है। यह स्लाइड 4 अलग अलग ट्यूब से जोड़ी गई है, ताकि 4 अलग अलग राइडर्स आपस में रेस भी लगा सकें और साथ में एंजॉय कर सकें। इंसानो ब्राजील। यह स्लाइड तकरीबन 12 मंजिला इमारत के जितनी ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची वॉटर स्लाइड है। यह ब्राजील देश में मौजूद है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक वॉटर स्लाइड भी माना जाता है, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। शुरुआत में तो इसकी स्लोप बिल्कुल सीधी है, जो कुछ ही दूरी पर 85 डिग्री के स्लोप में खड़ी हो जाती है। इस स्लाइड पर राइडर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे आता है। इस खतरनाक स्लाइड को राइडर सिर्फ 5 सेकंड में ही पार कर लेता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉटर स्लाइड होने की वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसे देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्लाइड कितनी खतरनाक होगी। किलिमंजारो। यह स्लाइड ब्राजील देश के मशहूर शहर रियो डी जेनेरियो के बिल्कुल बाहरी इलाके में बनाई गई है। असल में यह इतना ऊंचा बनाया गया है कि ज्यादातर लोग तो इसे देखकर ही डर जाते हैं और वे इसमें चढ़ने का रिस्क भी नहीं लेते। यह वॉटर स्लाइड लगभग 163 फीट ऊंची है और इसका बेंडिंग एंगल 60 डिग्री का है, जिसकी वजह से राइडर इस स्लाइड को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 7 सेकंड में ही पार कर लेता है। इस वॉटर स्लाइड को साल के सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ही खोला जाता है और बाकी के महीनों में इस स्लाइड को बंद रखा जाता है। वेरुकट। यह दुनिया की सबसे ऊंची, खतरनाक और दिल दहला देने वाली वॉटर स्लाइड है, जो कि 19 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस स्लाइड को सन 2014 में बनाया गया था। यह स्लाइड 168 फीट लंबी है, जिसमें राइडर को 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रॉप किया जाता है, जो देखने में काफी तेज और डरावना लगता है। इसी वजह से इस स्लाइड में कई बार एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। ऐसा ही एक खतरनाक एक्सीडेंट सन 2015 में भी हुआ था, जब एक 10 साल के बच्चे की इस स्लाइड में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से सन 2016 के नवंबर महीने में एक लीगल नोटिस की वजह से इस स्लाइड को बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।